हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। कोई फंक्शन है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं और उसकी डेफिनेशंस क्या है और किस तरह से उसको निकाल सकते हैं, हम ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट अ फंक्शन एफ डिफाइंड इन द इंटरवल ए बी, देन फंक्शन एफ इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी। इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट इन फाइनाइट, यानी कि ये जो हमारे पास लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, ये हमारे पास फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, तो उस कंडीशन हम कहेंगे जो लिमिट है वो, पहले तो हम कहेंगे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है अगर वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोफिशेंट, जो ये लिमिट होती है ये डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशेंट कहलाती है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, अब हम ये देखेंगे। इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, सी प्लस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो कुछ सी जो एक हमारे पास नंबर दिया होगा जिस पे हमें उसका डेरिवेटिव चेक करना है। सी प्लस का मतलब है सी से कुछ पॉजिटिव साइड है, सी प्लस एच, इसको हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। और लिमिट एच टेंस टू जीरो सी प्लस सॉरी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, आप यहाँ पे सिंपली एक्स की जगह सी प्लस एच पुट करोगे तो यहाँ पे एक्स की जगह सी प्लस एच पुट करोगे तो सी से सी कट जाएगा और ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, अगर ये लिमिट हमारे पास फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, यानी एग्जिस्ट करी और फाइनाइट है, देन द लिमिट वैल्यू इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इस कंडीशन हमारे पास लिमिट वैल्यू जो होगी वो राइट वो क्या कहलाएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, इफ एक्स टेंस टू सी माइनस, यानी सी माइनस, माइनस का सेंस वो क्या करता है, जो सी है उससे कुछ कम नंबर पर, एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी माइनस एच, अगर यहाँ पे हम एक्स की जगह फ्रेंड्स सी माइनस एच पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली ये आ जाएगा, आप पुट करके देख सकते हो, सी माइनस एच पुट करोगे सी से सी कट जाएगा और माइनस एच बच जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एस, अगर ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो वैल्यू है वो राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगी, यानी जो ये वैल्यू जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगी, अगर ये फंक्शन वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट है और फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो उस कंडीशन हम कहेंगे कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, सॉरी फ्रेंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या हो सकती है उसको हम अच्छे से, और उस डेफिनेशन को और क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास जो सिंपली लिमिट जो हम निकाल रहे थे वो एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी एफ ये जो लिमिट हम निकाल रहे थे स्टार्टिंग में, अगर ये लिमिट हम हमसे नहीं निकाल पाते हैं तो हम किस तरह चेकेंगे कि जो चेक करेंगे कि फंक्शन है वो डेरिवेटिव है या नहीं, उसके लिए हम पढ़ते हैं। आ फंक्शन एफ इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी एफ, आर एफ डैश सी एग्जिस्ट एल एफ डैश सी एग्जिस्ट एंड आर एफ डैश सी बराबर एल एफ डैश सी, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव एंड एफ सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो फंक्शन है वो सी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। फ्रेंड्स राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमने पढ़े